इस वीडियो में हम जानेंगे कि फैब्रिक के ऊपर कलाकृति को या डिजाइन को किस तरह से चिपकाया जाता है और फिर कपड़े को किस प्रकार से काटा जाता है। सबसे पहले कपड़े पर से मिट्टी या दाग को हटाने के लिए उसे धोया जाता है। इसमें हम सर्फ का भी इस्तेमाल करते हैं, पर यह कपड़े के प्रकार पर डिपेंड करता है कि उसे किस प्रकार से धोना है। इसके लिए आप कपड़े की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि अधिकतर फेल्ट और सिल्क के कपड़े को हम नहीं धोते हैं। कपड़े को धोने के बाद उसमें से झुर्रियां हटाने के लिए उसके ऊपर प्रेस की जाती है। प्रेस किए हुए कपड़े के पिछली साइड पर फ्यूजिबल वेब को चिपकाया जाता है, जिसको हमने डिजाइन के हिसाब से पहले ट्रेस किया होता है। यदि आपका फ्यूजिबल वेब प्रेस के द्वारा चिपकता है, तो उसे 5 से 8 सेकंड तक प्रेस से गर्म किया जाता है, ताकि वो फैब्रिक के ऊपर आसानी से चिपक जाए। यदि आप फ्यूजिबल वेब की जगह पर एप्लिक पेपर और पानी में घुलने वाली गोंद का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको पहले एप्लिक पेपर पर डिजाइन बनाना होगा। उस डिजाइन की किनारियों को उसी प्रकार 3 या 4 mm बाहर की तरफ से काटना होगा। उसके बाद उस पेपर को फैब्रिक के ऊपर रखकर गोंद लगाकर चिपका देना है। चिपकाने के बाद उसे आयरन करके उसके ऊपर से जितने भी रिंकल्स हैं उनको हटाना है। कपड़े पर प्रेस करने के बाद आप उसे ठंडा होने दें, और जब वो ठंडा हो जाए तो उसके बाद आप फैब्रिक को फ्यूजिबल वेब या एप्लिक पेपर की ट्रेसिंग के हिसाब से काट सकते हैं। यदि आपका फ्यूजिबल वेब डबल साइडेड है, तो उसकी पेपर वाली साइड को आप हटा सकते हैं।